नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में, और हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993, उसे देख चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, जो अपडेट हुआ है 2019 में उसे भी देख चुके हैं हम लोग। अब बात करते हैं इसमें हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, उद्देश्य क्या था इसका? तो इसका उद्देश्य है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करने का निवारण करने के लिए, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय का तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने का और उनके पुनर्वास का तथा उनसे उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम किया गया। इस प्रकार उपयुक्त अधिनियम दांडिक प्रकृति का है तथा धारा 41 भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार विशेष विधि की परिधि में आता है। इसका मुख्य उद्देश्य उक्त वर्ग को अत्याचार से छुटकारा दिलाकर अत्याचार के शिकार हुए इस वर्ग के लोगों का पुनरुद्धार करना है। आगे बात करते हैं हम लोग अधिनियम संबंधी प्रमुख तक। तो इस अधिनियम का क्रमांक वर्ष 1989 का 33 है। राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को अपनी स्वीकृति 11 सितंबर 1989 में प्रदान की। याद रखना इस डेट को। राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को अपनी स्वीकृति कब दी? 11 सितंबर 1989 को। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ। राष्ट्रपति ने अनुमति कब दी? 11 सितंबर 1989 को। और अधिनियम लागू कब हुआ? 30 जनवरी 1990 को। अब अधिनियम के मुख्य उद्देश्य देखते हैं। तो एसटीएससी के विरुद्ध अत्याचारों को रोकना। एसटीएससी के विरुद्ध हुए अत्याचारों को विचारण के लिए विशेष न्यायालय का प्रबंध। ऐसे अपराधों से विशेष न्यायालय का प्रबंध। ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्ति को राहत देने का और उनके पुनर्वास का उपबंध करने के लिए अधिनियम है ये। अब बात करते हैं हम लोग अधिनियम के धाराओं के अंतर्गत अधिनियम का विवरण। तो सबसे पहले आपको बता दें इसमें 5 अध्याय हैं और 23 धाराएं हैं। ठीक, तो याद रखिए 5 धाराएं, 5 अध्याय, 23 धाराएं। धारा फर्स्ट, इस अधिनियम का नाम अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति अत्याचारण अधिनियम 1989 रख गया। इसका विस्तार पूरे भारत में होगा। याद रखिए 2019 में, जैसा कि आपको पता है, 2019 से जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा दिया गया है। तो अब जो प्रावधान अन्य राज्यों में लागू होते वो यहाँ भी लागू होंगे, तो से संपूर्ण भारत में लागू होगा ये। ठीक है, फिर है धारा 2, इसमें परिभाषाएँ। एस टी का अर्थ वही होगा जो अनुच्छेद 366 खंड 25 और खंड 26 में परिभाषित है। आगे बात करते हैं धारा 3 के बारे में। तो इस अधिनियम में किए गए अपराध उनके दंड निम्नलिखित हैं। किसी एस सी एस टी के सदस्य को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करना। एसटीएससी के परिसर में पशु सब कूड़ा मलमूत्र उसे अपमानित करने या क्षति पहुंचाने के आशय से डालना। किसी एसटीएससी के व्यक्ति के शरीर पर बलपूर्वक कपड़े उतार कर उसके चेहरे या शरीर को पोत कर घुमाना या अन्य एवं कार्य जो मानव के सम्मान के विरुद्ध हो। किसी एससी एसटी के व्यक्ति के स्वामित्व या आवंटित किसी भूमि को हस्तांतरित करा देना या अधिभोग करना। किसी एससी एसटी के व्यक्ति को उसकी भूमि या परिसर से बेदखल करना। उसे जल या भूमि के उपयोग से रोकना। किसी एससी एसटी के व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या या दोषपूर्ण विधिक कार्यवाही करना। किसी एसटी एक्ट एससी एसटी की महिला का बलपूर्वक अनादर
करना या उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश करना। किसी एससी एसटी की व्यक्ति से बेगार करवाना या उसके बंधुआ मजदूरी करवाना। किसी एसटी के व्यक्तियों को मतदान से रोकना या किसी विशिष्ट उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के लिए व्यवस्था करना। किसी लोक सेवक को एसटी एससी की व्यक्ति के विरुद्ध मिथ्या सूचना देना, जिससे वह लोक सेवक विधि पूर्वक शक्ति का प्रयोग कर विधि कार्रवाई करे। किसी एससी एसटी व्यक्ति द्वारा उपयोगी जलाशय या अन्य स्रोत को दूषित या गंदा करना। किसी एससी एसटी की महिला का लैंगिक शोषण करना, महिला की इच्छा को अधिशासित करके वह महिला इसके लिए सहमत नहीं होती है तब। किसी एसटी एसटी के व्यक्ति का मार्ग अवरुद्ध करना। किसी एसटी एससी के व्यक्ति को उसका घर या गांव बलपूर्वक छोड़ने को विवश करना। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं नोट। उपयुक्त सभी अपराधों के लिए कारावास कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। आगे देखते हैं अधिनियम के तहत विशेष अत्याचार। कोई व्यक्ति एसटी एससी के व्यक्ति के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, जिससे एसटी एससी के व्यक्ति को मृत्यु दंड हो सकता है, तो उस व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माना होगा। परंतु अगर इस षड्यंत्र के कारण एससी एसटी के व्यक्ति को फांसी हो जाती है, तो मिथ्या साथ देने वाले व्यक्ति को भी फांसी होगी। अगर कोई व्यक्ति किसी एसटी एससी के व्यक्ति के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देगा, जिससे एसटी एसटी के व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा हो सकती है, तो मिथ्या साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 माह और अधिकतम 7 वर्ष या उससे ज़्यादा एवं अर्थदंड की सजा होगी। फिर अगर कोई व्यक्ति एसटी एससी की संपत्ति को आग लगाता है या विस्फोट करता है, तो उसे न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 7 वर्ष प्लस अर्थदंड की सजा होगी। आगे अगर कोई व्यक्ति आग या विस्फोट के द्वारा एससी एसटी के पूजा के स्थान पर का मानव आवास के स्थान को नष्ट करता है, तो वह आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडनीय होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी एसटी एसटी के विरुद्ध हुए अपराध के साक्ष्यों को नष्ट करता है, तो उसे भी उस अपराध के लिए तय दंड मिलेगा। अगर कोई लोक सेवक एसटी एससी के विरुद्ध अपराध करता है, तो उसे कम से कम 1 वर्ष की सजा होगी एवं अधिकतम उस अपराध के लिए तय सजा मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग धारा 4, कर्तव्यों के उपेक्षा के लिए दंड। अगर कोई सेवक जो एससी एसटी का नहीं है, इस अधिनियम में पालन किए जाने वाले कर्तव्य की उपेक्षा करेगा, तो उसे कम से कम 6 माह और अधिकतम 1 वर्ष की सजा होगी। फिर है हमारी धारा 5। धारा 5 में पश्चादवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड। कोई व्यक्ति पहले भी इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध कर दोष सिद्ध हो चुका है, तो दोबारा अपराध करने पर उसे कम से कम 1 वर्ष का और अधिकतम उस अपराध के लिए तय दंड मिलेगा। फिर है धारा 6, भारतीय संहिता के उपबंधों का लागू होना। इस अधिनियम के साथ भारतीय दंड संहिता के धारा 34 अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, 5 और अध्याय 23, धारा 149 भी लागू होगी, परंतु यह अधिनियम इन पर भारी रहेगा। फिर 7वीं धारा, धारा 7, व्यक्तियों की संपत्ति का संप्रहण। अगर कोई व्यक्ति एसटी एससी के अधिकतम में दोषी पाया जाता है अधिनियम में, तो उसकी चल एवं असल संपत्ति को विशेष न्यायालय सरकार को संप्रहरित कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति एसटी एससी अधिनियम में अभियुक्त है, तो विशेष न्यायालय उसकी संपत्ति को विचारण की अवधि में कुर्क कर सकता है और दोष सिद्ध व्यक्ति पर उस संपत्ति का संप्रहरित कर सकता है। फिर धारा 8, अपराधों के बारे में उपधारणा। अगर कोई व्यक्ति किसी एससी एसटी अधिनियम के अभियुक्त की वित्तीय सहायता करता है, तो विशेष न्यायालय
यह मानेगा कि सहायता करने वाला व्यक्ति ने अपराध दुष्प्रेरण किया है। बाम है, अगर कोई व्यक्तियों का समूह ST/ST के विरोध कोई अपराध करता है तो यह सिद्ध हो जाता है कि यह अपराध किसी भूमि या अन्य विषय के विवाद का फल है, तो यह माना जाएगा कि यह एक सामान्य अपराध है। आपको बता दें, अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फुल लेक्चर देख रहे हैं। लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष पर बात कर लेंगे, जो मेन निष्कर्ष निकलता है उनको देख लेंगे 5-7 मिनट में, ठीक है, 5-6 मिनट में, जितना भी टाइम लगेगा उसमें आप लोगों को सभी धाराएं समझ में आ जाएगी, ठीक। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। धारा 9, शक्तियों का प्रदान किया जाना। राजशासन अगर जरूर समझे तो वह किसी वाद या ST/ST अधिनियम के लिए किसी कोर्ट किसी अधिकारी को व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की शक्ति प्रदान कर सकता है। फिर है निष्कासन। धारा 10, यदि विशेष न्यायालय किसी शिकायत या पुलिस विवेचना से संतुष्ट होती है कि कोई व्यक्ति ST/ST के विरुद्ध अपराध करने वाला है, तब कोर्ट लिखित में उस व्यक्ति को उस क्षेत्र से आदेशित मार्ग से आदेशित समय तक हटने के निर्देश दे सकता है, परंतु उस व्यक्ति को अधिकतम 2 वर्ष के लिए ही हटाया जा सकता है। न्यायालय को उस व्यक्ति को आदेश या उसके आधार से सूचित करना पड़ेगा। फिर है धारा 11, अगर व्यक्ति जिसे किसी क्षेत्र से हटने के आदेश दिए गए हैं वह वहाँ से नहीं हटता है या समय से पहले वापस आ जाता है, तो न्यायालय के आदेश पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, परंतु न्यायालय की आज्ञा से वह अस्थायी समय के लिए आ सकता है। अब फिर है 12, अगर पुलिस जरूरी समझे तो वह न्यायालय के आदेश से उपयुक्त व्यक्ति का फोटो और माप ले सकती है। अगर व्यक्ति देने से मना करे तो उपयुक्त प्रयास किए जा सकते हैं और मना करने को अपराध माना जाएगा। अगर धारा 10 में वर्णित आदेश निरस्त कर दिया जाता है तो यह फोटो नेगेटिव के साथ नष्ट कर दी जाएगी। फिर धारा 13, अगर कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय के आदेश नहीं मानता तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने की सजा होगी। फिर बात करते हैं धारा 14, तो धारा 14 के तहत विशेष न्यायालय ST/ST अधिनियम के लिए राज्य शासन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से किसी सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा दे सकता है प्रत्येक जिले के लिए। फिर धारा 15 है, विशेष लोक अभियोजक। हर विशेष न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजक राज्य शासन बनाती है या किसी अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता का व्यवसाय किया हो उसे नियुक्त किया जा सकता है। फिर है धारा 16, राज्य शासन किसी क्षेत्र के लोगों पर सामूहिक जुर्माना सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में वर्णित लगा सकती है। फिर है धारा 17, निवारक कार्रवाई। कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या SDM या DSP या उससे ऊपर का अधिकारी चाहे तो राज्य के आधार पर किसी क्षेत्र को अत्याचार ग्रसित घोषित कर सकता है और उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं। राज्य शासन अत्याचार रोकने के लिए नियम बना सकती है जिसे ST/ST के मध्य सुरक्षा की भावना रहे। अब बात करते हैं हम लोग 18 धारे 18 के बारे में। आप लोगों को बता दें जो धारे 18 है इसी में बदलाव हुआ था, ठीक है, कौन सी धारा 18। धारा 18 पहले देख लेते हैं, जहाँ पहले दिए अग्रिम जमानत। ST/ST अधिनियम में अपराध किए गए व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, और अभी जो ST/ST अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 आया था इसमें जमानत का प्रावधान कर दिया गया था, तो यह आया था फौजदारी अपील संख्या 416, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले में आया। ये फैसला आया 20 मार्च 2014 को। इसमें मुख्य बिंदु थे गिरफ्तारी पूर्व उप पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रारंभिक जांच कर पता लगाया जाएगा कि मामला पब्लिक ऑफ एक्ट्रोसिटी का बनता है या नहीं। SSP की अनुमति के बाद गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत SC के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होगी।
तो बड़ा बवाल मचा हुआ था, आपने देखा जैसे धरना प्रदर्शन हुए। फिर एक संशोधन विधेयक लाई सरकार 2018 में, तो लोकसभा में वह विधेयक पास हुआ 6 अगस्त को और 2018 को, राज्यसभा में हुआ 9 अगस्त 2018 को, राष्ट्रपति की अनुमति मिली 17 अगस्त 2018 को और लागू हुआ 20 अगस्त 2018 को। इसमें धारा 18 का जोड़े गए, 18 का जोड़ा गया। इसमें क्या है काम है, तो धारा 438 लागू नहीं होगी, पहले जैसा था कि अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी, यही पूरा प्रावधान है। तो इसकी धारा 438 लागू नहीं होगी। एफआईआर के पहले जांच आवश्यक नहीं है, गिरफ्तारी पूर्व किसी अधिकारी की मंजूरी आवश्यक नहीं है, पब्लिक ऑप्स एट्रोसिटी अधिनियम और फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 के अलावा कोई प्रावधान लागू नहीं है। इस पर किसी अदालत फैसला या निर्देश, किसी अदालत का फैसला या निर्देश इस अधिनियम पर लागू नहीं होगा। तो याद रखिए 18 का जोड़ी गई थी संशोधन द्वारा। अब बात करते हैं हम लोग धारा 19। इस अधिनियम में दोषी पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 अपराधी परिवेक्षा अधिनियम 1958 लागू नहीं होगी अगर दोषी की उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है। दंड प्रक्रिया की संहिता 360 और अपराधी परिवेक्षा अधिनियम 1958 दोषी के अच्छे चरित्र एवं पितम अपराध से संबंधित है। फिर धारा 20 अन्य विधियों पर अध्यारोही, जब तक विशेष उपबंध ना हो तब तक यह अधिनियम हर पिथा या विधि से ऊपर है। फिर है धारा 21 शासन के कर्तव्य, धारा 21 में शासन के कर्तव्य, राज्य शासन इस अधिनियम में केंद्र शासन द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करेगा। राज्य शासन अत्याचार ग्रस्त व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने में पर्याप्त सुविधा, विधिक सहायता, साक्षियों की याद या भरण पोषण करेगा। राज्य शासन अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए समितियों की स्थापना करेगा एवं समय समय पर सर्वेक्षण करेगा और पीड़ित की हर संभव मदद करेगा। केंद्र सरकार राज्य शासन से समन्वय करेगी और प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों के समक्ष स्वयं एवं राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्ट रखेगी। अब बात करते हैं धारा 22। धारा 22 में सद्भाव पूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, किसी भी केंद्र शासन या व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी अगर उसने कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन सद्भाव पूर्वक किया हो। फिर धारा 23 नियम बनाने की शक्ति, इस अधिनियम के अंतर्गत नियम केंद्र शासन सरकार बनाएगी, केंद्र शासन इसके लिए इस नियम को संसद को प्रत्येक सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखा जाता है। चलिए तो अब हमने देख लिया है अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं क्योंकि इसमें ऐसे कई शब्द दिए गए जो समझ में नहीं आएंगे आ रहे हैं कि कई लोगों को है? तो हम लोग बात करते हैं शुरू से। तो इसके बारे में हम आपको बता दें, इसका उद्देश्य लाने का उद्देश्य था अनुच्छेद 17 में वर्णित अस्पृश्यता का अंत करना, ठीक है, जो भेदभाव किया जाता है एसटीएससी के साथ उसका अंत करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। और इसे लागू कब किया गया और राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, तो इसे देखते हैं। याद रखिए 11 सितंबर 1989 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 30 जनवरी 1990 को ये लागू हुआ। याद रखिए इसमें 5 अध्याय हैं और 23 धाराएं हैं, ठीक है। गैर जमानतीय है, संज्ञेय है और असमनीय है। अब बात करते हैं अध्याय फर्स्ट की, तो अध्याय फर्स्ट में क्या दिया गया, अपना संक्षिप्त नाम, अध्याय फर्स्ट में धारा फर्स्ट, तो इसमें क्या दिया गया, संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू, ठीक है। धारा एक में संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू, तो संक्षिप्त नाम इसका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसका विस्तार पूरे भारत में है, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं होता था लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद
संपूर्ण भारत में लागू होगा ये अब, और इस लागू हुआ ये 30 जनवरी 1990 से, ठीक है, आपको ये याद रखना है। फिर आती है हमारी धारा दो। तो धारा दो में आप लोगों को बता दें, यहाँ नहीं दिया गया लेकिन बता देते हैं, धारा दो में परिभाषाएं दी गई हैं। धारा दो में परिभाषाएं दी गई हैं कि तो दो का, धारा दो का अत्याचार की परिभाषा दी गई, दो खा संहिता, दो खाखा आश्रित की परिभाषा दी गई है, दो खागा ये आर्थिक बहिष्कार, दो खा घा अनन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र, दो खा डा वन अधिकार, दो खा चा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी की परिभाषा, दो खा छा इसमें लोक सेवक से संबंधित, दो गा में, दो गा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई, दो घा में विशेष न्यायालय, दो दो ड़ा में विशेष लोक अभियोजक, दो डा का में अनुसूचित, दो डा खा में सामाजिक बहिष्कार, दो डा गा में पीड़ित, दो डा घा में साक्षी, और दो चा में अधिनियम में प्रयुक्त अपरिभाषित पद या शब्दों की। फिर आती है धारा 3। अध्याय दो यहाँ से स्टार्ट होता है। अध्याय एक में एक और दो धारा है, अध्याय दो है जो स्टार्ट, इसमें अत्याचार के अपराध, तो अत्याचार के अपराधों के लिए दंड है इसमें, ठीक है, ये देख ही लिए थे हम लोगों ने, तो इतना याद रखना है अत्याचारों के लिए दंड है। 3-2 का, 3-2 का में झूठी गवाही के लिए, जैसे आपको पता है बता भी दिया, मृत्यु दंड अगर ऐलान हो जाता हो तो है, जिसने मतलब साक्ष्य दिए या झूठे साक्ष्य दिए तो उस पर आजीवन कारावास और जुर्माना, अगर मृत्यु दंड दे दिया जाता है ST ST के सदस्य को तो उसे भी मृत्यु दंड होगा जिसने झूठ के साक्ष्य प्रस्तुत किए। अब बात करते हैं हम धारा 4, इसमें देख ही लिए और तो बाकी। धारा 4 है कर्तव्यों की उपेक्षा पर दंड। लोक सेवक, कोई लोक सेवक अगर लापरवाही करता है तो कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 1 साल उसे सजा हो सकती है। फिर है पश्चादवर्ती अपराध पर दंड। 5 धारा में पश्चादवर्ती दोष सिद्धि के लिए आर्थिक दंड, तो याद रखें न्यूनतम सजा 1 साल है। फिर है धारा 6 में भारतीय दंड संहिता की कुछ उपबंध लागू होना, ठीक। धारा 7 व्यक्तियों की संपत्ति का अधिग्रहण करना विशेष न्यायालय के आदेश से चल अचल संपत्ति को अधिग्रहण कर सकते हैं। धारा 8 है जो, इसमें अपराधों के बारे में, अपराधों के संबंध में उपधारणा दी गई है। धारा 9 में शक्ति प्रदान की गई है, ठीक। धारा 9 में शक्ति प्रदान की गई। धारा 10 याद रखिए, 3 अध्याय स्टार्ट होता है, 9 तक दूसरे अध्याय की धाराएं, फिर धारा 3 और धारा 10, तो इसमें संभावित अपराधियों का क्षेत्र से हटाया जाना है। धारा 10 में, धारा 11 में व्यक्तियों से, व्यक्ति द्वारा क्षेत्र से ना हटने या पुनः प्रवेश की दशा में प्रावधान किए गए। फिर धारा 12 में व्यक्ति की माप एवं फोटो लेना। धारा 13 में धारा 10 के आदेश के उल्लंघन पर दंड देना, ठीक। अगर धारा 10 का उल्लंघन करता है तो उसे दंड देना। फिर धारा 14, तो धारा 14 विशेष अदालत से संबंधित है, विशेष न्यायालय से। धारा 15 याद रखिए, विशेष लोक अभियोजक से संबंधित है। धारा 16 ये सामूहिक जुर्माना से संबंधित है। धारा 17 ये विधि एवं विधायी तंत्र द्वारा निवारण कार्यवाही से संबंधित है। धारा 18 ये अग्रिम जमानत से संबंधित है, इसी में 18 का जोड़ी गई है, ठीक है, अब भी अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। धारा 19 इसमें, धारा 19 में दोषी व्यक्ति पर IPC की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के उपबंधों का लागू ना होना।
फिर है धारा 20, अधिनियम का अन्य कानून पर प्रभावी होना। धारा 21, धारा 21 के तहत, धारा 21 में राज्य सरकार का अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन का दायित्व। फिर धारा है 22, धारा 22 में है सद्भावना पूर्ण की गई कार्यवाही हेतु संरक्षण। धारा 23, नियम बनाने की शक्ति। आपको बता दें एक बात कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग बना, इसमें पहले ये बना था 65वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 338 के तहत, आर्टिकल 338 के तहत। इसमें तब एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य अंशकालिक सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति करता था राष्ट्रपति। लेकिन 89वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से 89वें संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा 89वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में इसमें संशोधन किया गया और एससी एसटी के लिए अलग आयोग बना दिए गए, ठीक है। और इन्हें दोनों को सिविल कोड की शक्तियां दी गई हैं। तो अब याद रखना, एसटी के लिए अलग है आयोग और एससी के लिए अलग है। और ये आया 89वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा अलग अलग हुए। तो चलिए, ये था हमारा एसटी एससी एक्ट 1989।